now let's move on to the explanation of paragraph number 7 in which we have following complex words the first word is beryl thiska matlab hai drum english may be drum hi hai. the second word is mess of fox squirrels Jiska Urdu means matlabhe ka deir while in english it means a quantity of fox squirrels enough to cook for a meal the next word is plough which means hal while in english it means अ लार्ज फार्मिंग टूल विच डिग्स द सॉयल इन फील्ड्स टू प्लान द सीड्स नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सप्लेन ऑफ पैराग्राफ नंबर सेवन सो बेसिकली ये पैराग्राफ इस तरह से स्टार्ट होता है कि जेस के फादर उस पहाड़ी पर जो कि बहुत ही ऊँची होती है उस पर चढ़ना शुरू कर देते हैं और वो जेस को इशारा करते हैं कि उसके पीछे आए और जब वो उनके साथ साथ चलने लगता है तो वो उसको कहते हैं कि जिस उम्र में मैं हूँ इस उम्र में इंसान को अपनी पुरानी बातें बहुत याद आती हैं और वो उन तमाम जगहों पे जाना पसंद करता है जिनसे उसको बहुत मोहब्बत होती है और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने ये चीज़ें बयान नहीं कर सकता ये नहीं कि जब तुम इस उम्र में आओगे तभी तुम समझ पाओगे और तब वो ऊपर वाली चटान की तरफ इशारा करके बताते हैं कि ये वो पहाड़ी है जहाँ पे तुम्हारी माँ जब वो उन्नीस साल की थी और जब मैं बाईस साल का था हम दोनों मिलकर आया करते थे और यहाँ पर हमने इसको साफ़ किया और पहली ही दफ़ा हमने मकई उगाई फिर वो कहते हैं कि ये वो ज़मीन है जिसको हमने खुद बनाया बल्कि ये खुदा ने पहले से वहाँ बना के रखी थी हमने तो सिर्फ इस पर सफाई भी की इस पर काम किया और इस पर चीज़ें उगाई और पहले ही दफ़ा हमने एक मकई का पूरा ड्रम भरा यानी कि हमें बहुत फ़ायदा हुआ यानी कि हमने ये सब कुछ एक मवेशी की मदद से हल चलाया इतनी मुश्किल यानी कि हमने देखी उसके बावजूद जाके हमें ये सलाह मिला फिर वो कहते हैं कि मैं इस उम्र में आने के बावजूद भी ख़ुद से यहाँ पे म्यूल की मदद से हल चलाता हूँ और यहाँ पे मैंने मकई गंदुम कद्दू और बहुत सारी चीज़ें उगाईं और फिर वो कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी माँ के साथ आता था तो मैं रोज़ शाम को गन लाता और गले का शिकार करता खुराक के लिए और यहाँ पे पैराग्राफ नंबर सेवन ख़त्म हो जाता है आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेसन ऑफ़ दिस पैराग्राफ थैंक यू